अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर के इस चैनल पे। तो हमने कल एक सीरीज स्टार्ट करी थी एथिक्स से रिलेटेड, और कल के लेक्चर में हमने देखा था कि एथिक्स के सिलेबस में क्या क्या है। उस सिलेबस को हमने एक ब्रेकडाउन किया था और देखा था कि हम कैसे उस सिलेबस को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि एक अच्छी आंसर राइटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मेंस में, और मेनली एथिक्स पेपर 4 के रिलेटेड। तो आज हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे कि अब एथिक्स में आगे हमें क्या क्या करना है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को दिल्ली आना पॉसिबल नहीं हो पाता, उनके लिए हमारा प्रयागराज में एक सेंटर खुल रहा है ऑफलाइन, और आप वहां पे एनरोल कर सकते हैं और अपनी आईएएस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अन अकेडमी के साथ आप अपनी जर्नी को एक लेवल अप लेके जा सकते हैं। एडमिशन्स ओपन है वहां पे जीएस फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए, और बैचेज वहां पे स्टार्ट होंगे दिसंबर 15 से, और पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेगा। आप 30 नवंबर के पहले एनरोल कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरीज के रिगार्डिंग, और ये जो प्रयागराज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके अपनी क्वेरीज फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की लिंक में एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा आपको। गूगल फॉर्म में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और वहाँ पे आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे एक काउंसलिंग फॉर्म भी होगा, उस काउंसलिंग फॉर्म में भी आप अपनी क्वेरीज डाल के उसके रिगार्डिंग अपनी जो भी रिस्पॉन्स चाहते हैं वो ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको नोट्स और वीडियोस की जानकारी भी लगातार मिलते रहेगी। एक कॉन्साइज नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो भी लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे, जो भी आपको डिटेल्स दी जाएंगी। उसके बाद आप अन अकेडमी के कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको वीडियोस की जानकारी वगैरह सारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं BR10, इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने लेक्चर पे। हमारा लेक्चर था एथिक्स। तो कल स्ट्रेटजी समझाते टाइम मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी एक आंसर राइटिंग में मेन जो पॉइंट था वो ये था दैट यू मस्ट नो द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ थिंग्स। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो आप अपनी डेफिनेशन लिख के नहीं आ सकते एथिक्स के आंसर्स में। जनरली किसी भी आंसर में आप अपनी डेफिनेशन नहीं लिख के आ सकते, बट एथिक्स में तो मेनली। तो आपको एक प्रिसाइज डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आज हम करेंगे एथिक्स को डिफाइन, और हमारा पूरा लेक्चर आज का इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो एथिक्स को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा, साथ साथ आप भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथिक्स डील्स विथ ह्यूमन कैरेक्टर या कंडक्ट बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। तो मैंने यहां पे लिखा दैट एथिक्स डील्स विथ ह्यूमन कैरेक्टर या कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स। With the aim to achieve the ultimate good, which is also known as summum bonum. तो ये एक प्रिसाइज डिफिनेशन है। अगर आप ये लिखते हैं तो इसमें आप इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट बता रहे हैं कि एथिक्स क्या है। सो एथिक्स डील्स विथ, वेट अ मिनट, एथिक्स डील्स विथ ह्यूमन कैरेक्टर या कंडक्ट। एथिक्स किस चीज से डील करता है? ह्यूमन कैरेक्टर या कंडक्ट से। किस चीज के बेस पे? कुछ स्टैब्लिश नॉर्म्स हैं इस सोसाइटी में, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बेस पे ही ये आपकी कैरेक्टर और कंडक्ट को डील करेगा। किस चीज के लिए? देखो तीन चीजें हैं यहां पे। पहले तो वो क्या करता है, दूसरा किस बेस पे करता है, और तीसरा एम क्या है। हमने कल एक बात करी थी कि दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिलोसफीज, उसमें एक बात करी थी हमने टीलियोलॉजी। सो टीलियोलॉजी इज पर्पस बेस्ड। सो एथिक्स का पर्पस क्या है? तो एथिक्स का पर्पस है टू अचीव द अल्टीमेट गुड, द समम बोनम।
इसको अलग अलग लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं दी हाईएस्ट गुड, और निर्वाण, हम लोग की इंडियन फिलोसफी में इसी को निर्वाण बोला जाता है। सो एथिक्स एक्चुअली डील्स विथ द ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट बेस्ड ऑन द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स विद द एम टू अचीव द अल्टीमेट गुड दैट इज समम बोनम। सो जैसे ही ये चीजें एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स आती हैं, वो एथिक्स को एक नॉर्मेटिव साइंस बना देती हैं। नॉर्मेटिव साइंस कहने का मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ साइंसेज, एक होता है नॉर्मेटिव साइंस और एक होता है एम्पिरिकल साइंस। एम्पिरिकल साइंस वर्क्स ऑन द बेस ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स। आपके पास डेटा एंड फैक्ट्स हैं, आप उन डेटा और फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं और आप एक रिजल्ट की ओर पहुंचते हैं। बट ये एक तरह से आप बोल दो कि ऑब्जेक्टिव साइंस है। ऑब्जेक्टिव साइंस मीन्स आप में आपको इधर उधर कोई गुंजाइश नहीं है, आपने जो डेटा और फैक्ट्स एनालाइज किया उस बेस पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस एंड इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। बेस्ड ऑन दिस एस्टैब्लिश नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स आपके कैरेक्टर को या आपके कंडक्ट को डील किया जाता है और फिर उसमें देखा जाता है दैट हाउ गुड योर कैरेक्टर और कंडक्ट इज। सो एक्चुअली एथिक्स डील्स विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स। एथिक्स डील्स विद द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड कंडक्ट्स बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। ये जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यूज भी कहते हैं, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी या फिर वैल्यूज आप एक तरह से बोल सकते हैं। सो दीज एस्टैब्लिश नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स आर द वैल्यूज बेस्ड ऑन विच योर कैरेक्टर और कंडक्ट इज एनालाइज्ड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि ये जो एथिक्स है, एथिक्स वर्ड आया कहां से? सो एथिक्स वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक एंड लैटिन कॉम्बिनेशन ऑफ एथिकोस। दिस इज अ ग्रीक एंड लैटिन वर्ड। एथिकोस का मतलब होता है कैरेक्टर, लिटरल मीनिंग होता है कैरेक्टर या कंडक्ट। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एथिक्स वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक एंड लैटिन वर्ड एथिकोस, मीन्स कैरेक्टर या कंडक्ट। तो अभी तक जो भी हमने देखा, सो हमने क्या समझा इसमें, दैट एथिक्स इज द इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर और कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज या एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, वेदर अ कंडक्ट इज राइट और रॉन्ग, एथिकल और नॉट। तो यहां पे हम लोग फाइनल क्या करते हैं, और देखो द थिंग इज बेस्ड ऑन दिस एस्टैब्लिश्ड नॉर्म यू फाइंड दैट वेदर अ कैरेक्टर इज राइट और रॉन्ग, एथिकल और अनएथिकल, एंड इफ इट इज एथिकल देन द फाइनल एम इज the ultimate good, to reach the ultimate good, that is the summum bonum. So we can also say that ethics is a subject that distinguishes between pehla we can say right and wrong, good और बैड, एथिकल एंड अनएथिकल। सो बेस्ड ऑन दिस एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स, एथिक्स इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विथ योर ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट टू फाइंड आउट वेदर योर कंडक्ट इज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, एथिकल और अनएथिकल। बट इज इट लाइक कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके कैरेक्टर को एनालाइज करता है? नो, वी विल सी दैट आफ्टर एनालाइजिंग, हमने यहां पे भी देखा, आफ्टर एनालाइजिंग योर कैरेक्टर एंड कंडक्ट वी एक्चुअली ट्राई टू रीच द अल्टीमेट गुड। इफ आवर कंडक्ट कन्फॉर्म्स टू द एस्टैब्लिश्ड, कन्फॉर्म्स यानी कि अगर हमारा कंडक्ट जो है वो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स के साथ मैच करता है, देन इट इज अ राइट कंडक्ट, अदरवाइज इट इज अ रॉन्ग कंडक्ट, इट इज अ गुड कंडक्ट और बैड कंडक्ट, इट इज अ एथिकल कंडक्ट और अनएथिकल कंडक्ट। सो अल्टीमेटली एथिक्स फोकसेस ऑन हाउ टू इम्प्रूव द कंडक्ट, इट इज नॉट ओनली अबाउट एनालाइजिंग योर कंडक्ट, सिर्फ और सिर्फ एनालाइज नहीं करते हैं। अगर ये कन्फर्म नहीं कर रहा है, अगर हमारा कंडक्ट जो है वो रॉन्ग है, देन हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर कंडक्ट,
बेसिक चीज, बेसिक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए दैट वी हैव टू रीच द अल्टीमेट गुड, द समम बोनम. एंड फॉर दैट पहले तो हमें एस्टेब्लिश नॉर्म्स या वैल्यूज के साथ चलना चाहिए. अगर हम नहीं चल रहे हैं तो हम कैसे अपने कंडक्ट को सही कर सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं फाइनली टू रीच द फाइनल गोल. और एक तरह से अगर हम देखें दैट, अब एक समरी के टाइप के, दैट एथिक्स बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एनालाइजेज योर कंडक्ट एंड टेल अस हाउ टू इम्प्रूव आवर कंडक्ट टू रीच द फाइनल गोल दैट इज अल्टीमेट गुड. एंड हेंस इन दिस प्रोसेस द होल सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स डेवलप्स इट सेल्फ एज अ सेपरेट साइंस और सब्जेक्ट. एथिक्स एक पूरा अलग सब्जेक्ट के तौर पे इसीलिए डेवलप होता है बिकॉज इट इज सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट इट गिव्स यू एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, इट एनालाइजेज योर कंडक्ट, इट सेज यू हाउ टू इम्प्रूव योर कंडक्ट एंड देन वेयर डू यू वी हैव टू गो. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट एथिक्स इज अ सेपरेट साइंस और सब्जेक्ट. सो इफ वी गो अलॉन्ग विद दिस डेफिनेशन तो हम लोग एथिक्स को एक अच्छे तरीके से एक ओवरव्यू में समझ पाते हैं, एक ब्रॉड व्यू में समझ पाते हैं. बट अगर एथिक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लिखना हो देन इन योर आंसर देयर मस्ट कम एटलीस्ट दीज फोर कीवर्ड्स. फर्स्ट राइट और रॉन्ग, सेकेंड इज नॉर्मेटिव साइंस, थर्ड इज एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स या वैल्यूज एंड फोर इज अल्टीमेट गुड. दीज आर द फोर कीवर्ड्स दैट एक्चुअली कंप्राइजेज द होल डेफिनेशन ऑफ एथिक्स. ये चार कीवर्ड्स अगर आपके आंसर में हैं देन योर आंसर इज परफेक्ट. राइट और रॉन्ग कहने का मतलब, देखो राइट और रॉन्ग मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, एथिकल और अनएथिकल क्यों नहीं बोल रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सैल्यूटेशन इन डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट कल्चर्स. हमारे इंडिया में सैल्यूटेशन कैसे करते हैं, अगर आप अपने माँ बाप के पास जाते हैं तो आप पैर छूते हैं. यहीं अगर वेस्टर्न कल्चर में जाए तो वो हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं. इन इस्लामिक कल्चर दे एक्चुअली हग ईच अदर. सो नाउ इमेजिन अ सिचुएशन दैट आप इंडिया में अपने पेरेंट्स से जाके उनके पैर छूने के बजाय उनसे हाथ मिला लेते हैं. सो इज इट राइट? नो, दिस इज अ रॉन्ग कंडक्ट. बट इज इट अनएथिकल? नहीं, अनएथिकल नहीं है ये. इट इज एथिकल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज. बट इट इज नॉट राइट. सो राइट और रॉन्ग मैं इसलिए बोल रहा हूँ दैट एथिक्स डील्स मेनली विथ डे टू डे लाइफ एज वेल एज द ओवरव्यू ऑफ योर होल सोसाइटी एंड कल्चर. तो राइट और रॉन्ग बोलने का और एथिकल और अनएथिकल बोलने का इसलिए रीजन है कि अनएथिकल और एथिकल कम्स इन अ होल ब्रॉड व्यू. ये एक होलिस्टिक व्यू है. बट अगर हमें डे टू डे लाइफ बेसिस में बात करनी है तो राइट और रॉन्ग की बात करते हैं. सो हियर वी कैन से दैट इट वॉज अ रॉन्ग कंडक्ट ऑल दो इट वॉज नॉट अनएथिकल, इट वॉज एन एथिकल कंडक्ट. नाउ वॉट आर दीज एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज? अगर हम एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड और वैल्यूज की बात करें तो ये होती हैं मोरल वैल्यूज. मोरल वैल्यूज जैसे मैंने आपको बोला कि आप सैल्यूटेशन करते हैं तो आप अगर अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं तो आप उनसे कैसे भी किसी भी तरह से ग्रीटिंग करते हैं. बट ग्रीटिंग इज अ मोरल वैल्यू. इट इज एन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड दैट यू मस्ट ग्रीट योर एल्डरलीज. देन एथिक्स ऑफ फिलोसोफर्स and philosophies. Various philosophers ने अपनी study करके कुछ standard set किए हैं कि एक society का एक standard कैसा होना चाहिए, right conduct का standard कैसा होना चाहिए, what standard must be set to called as ethical or what is unethical.
तो वो फिलोसफीज और फिलोसोफर्स की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो होती हैं नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स या एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, एंड देर आर सम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मीन्स आप अपने दिमाग से सोच के सोच रहे हैं, आप अपने दिमाग से चल रहे हैं, आप एक नॉर्मल रैशनल इंसान जिसको कि रीजन करने की कैपेबिलिटी है, जिसका दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है, उसके बेस पे जो स्टैंडर्ड्स आती हैं वो भी बनती हैं एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जियो और जीने दो का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि एक ह्यूमन लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है या कोई भी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट्स वाई इट इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। सो दे आर सम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स विच आर बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, एंड देन फाइनली इट इज द चीफ गुड, द अल्टीमेट गुड और द समम बोनम यू हैव टू रीच। नाउ सिंस आई सेड दैट कि राइट और रॉन्ग हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, एंड एथिकल और अनएथिकल आर नॉट यूज इन डे टू डे लाइफ, सो इसकी वजह से एथिकल और अनएथिकल हमें डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करना होता है। जस्ट फॉर दैट वी हैव टू नो व्हाट आर द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। अगर हमें एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ही नहीं पता होंगी तो एथिकल और अनएथिकल और राइट और रॉन्ग में कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आप रॉन्ग कंडक्ट को भी एथिकल बोल सकते हैं, बट अगर आपको एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स नहीं पता है देन यू विल से दैट दिस इज अ रॉन्ग कंडक्ट एंड दिस वॉज अनएथिकल। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर क्लैरिटी बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल, यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज। अगर आपको एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड और वैल्यूज नहीं पता है तो आप उस चीज को एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूं, देर इज अ फिलोसफी कॉल्ड कांतियन फिलोसफी। कांतियन फिलोसफी सेज दैट डू नॉट यूज ह्यूमन एज अ मीन्स बट एज एन एंड। ह्यूमन लाइफ को आप एक मीन्स के तौर पे यूज मत कीजिए। ह्यूमन लाइफ इन इट सेल्फ इज एन एंड। आप ह्यूमन लाइफ को मीन्स के तौर पे यूज करने का मतलब आप लेबर लेते हैं, आप किसी से अनवांटेडली काम कराते हैं, बॉन्डेड लेबर्स वगैरह, दिस इज यूजिंग ह्यूमन लाइफ एज अ मीन्स। कांत कहता है नो, वी शुड नॉट यूज ह्यूमन लाइफ एज अ मीन्स बट एज एन एंड। ऑल्सो ही सेज दैट डू द वर्क फॉर द सेक ऑफ इट, या फिर हमारी गीता में बोला जाता है निष्काम कर्म। आप काम करो, फल की चिंता मत करो। आप काम काम के लिए करो, आप काम किसी फल के लिए मत करो। जैसे ही आप किसी फल के लिए काम करोगे तो आपके अंदर वो बायसनेस आ जाएगी, आपके अंदर एक डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी जो कि सही चीज नहीं है। सो डू द वर्क फॉर द सेक ऑफ इट, एंड दीज आर सम एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। एक और एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड की बात करें, दैट बुद्धाज मध्यम मार्ग। हम हमेशा बोलते हैं दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। क्यों? क्योंकि देर इज एन एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ बुद्धा। बुद्धा सेज दैट वी ऑलवेज हैव टू टेंड टू द मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ में हमेशा होना चाहिए, ना ही इस एक्सट्रीम पे ना ही उस एक्सट्रीम पे। सो दिस इज एन एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। बुद्धाज का मध्यम मार्ग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड के तौर पर माना जा सकता है। नाउ एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स जो है वो दो टाइप की होती हैं। पहले होते हैं जनरल स्टैंडर्ड्स और दूसरे सेपरेट स्टैंडर्ड्स। जनरल स्टैंडर्ड्स जैसे मैंने यहां पे बताया, डू द वर्क फॉर द सेक ऑफ इट, डू नॉट यूज ह्यूमन एज अ मीन्स बट एज एन एंड, मध्यम मार्ग, दीज आर सम जनरल स्टैंडर्ड्स। ये हर जगह अप्लाई होते हैं, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऑल दो सेपरेट स्टैंडर्ड्स भी यूनिवर्सल होते हैं, बट दीज आर जनरल स्टैंडर्ड्स। जनरल स्टैंडर्ड्स कहने का मतलब ये हर जगह अप्लाई होंगे, इनके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अलग से चीजें नहीं है, दीज आर एवरीवेयर एप्लीकेबल। बट सेपरेट स्टैंडर्ड्स में, फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ अ डॉक्टर, अ सिविल सर्वेंट एंड अ स्पोर्ट्स पर्सन। अब एक डॉक्टर के लिए एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? सेविंग वंस लाइफ। सेविंग लाइफ इज द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर डॉक्टर। इज इट द सेम स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्वेंट? फॉर सिविल सर्वेंट द स्टैंडर्ड इज इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी, अनबायस्ड नेचर,
दीज आर सम पब्लिक सर्विस, दीज आर सम स्टैंडर्ड सेट फॉर द सिविल सर्वेंट्स, कि सिविल सर्वेंट्स में ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. इफ समवन इज कंफॉर्मिंग टू दीज स्टैंडर्ड्स देन हिज और हर कैरेक्टर इन सिविल सर्विसेज इज गुड, हिज कंडक्ट और हर कंडक्ट इज गुड, अदरवाइज इट इज नॉट गुड एज इट इज नॉट कंफॉर्मिंग टू द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स. वैसे ही एक स्पोर्ट्स पर्सन का टीम वर्क होना चाहिए, उसमें स्पोर्ट्स की स्पिरिट होनी चाहिए. सो दीज स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सेपरेट स्टैंडर्ड्स. एंड एज वी आर सीइंग दैट ये सारी डेवलपमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, डेवलपमेंट ऑफ जनरल स्टैंडर्ड्स, डेवलपमेंट ऑफ एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स. तो ये जो स्टैंडर्ड्स का हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं तो इसी वजह से इसको नॉर्मेटिव साइंस बोला जाता है, दैट देयर आर सर्टेन नॉर्म्स एंड रूल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश, देयर आर सर्टेन नॉर्म्स या रूल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश जिनके बेस पे हम अपने कंडक्ट को डिफाइन करते हैं, हम अपने एथिक्स को डिफाइन करते हैं. तो कल अगर आपने वीडियो लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो मैंने एथिक्स को एक लाइन में डिफाइन किया था और हमारी पूरी वीडियो वहीं पे आके कल्मिनेट होती है, दैट व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन. एथिक्स ओवरऑल इसी से डील करता है, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन एंड फाइनली ये क्यों, टू रीच द अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गुड, द समम बोनम. ये समम बोनम अलग अलग फिलोसफर्स अलग अलग डिफाइन करते हैं. सोक्रेटिस का समम बोनम कुछ अलग था, स्पाइनोजा का अलग था, इंडिया में समम बोनम निर्वाण किसी का कुछ अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल सांख्य फिलोसफी का निर्वाण अलग होगा, न्याय का निर्वाण अलग होगा, बट सबका एक ही गोल था, टू रीच द अल्टीमेट गुड, टू रीच द निर्वाण. बुद्धा ने भी निर्वाण के लिए ही रास्ते बताए थे, जैन फिलोसफी ने भी निर्वाण के लिए रास्ते बताए, चार्वक ने भी निर्माण के रास्ते बताए थे, ऑल्दो चार्वक इज अ बिट डिफरेंट, बट एवरी फिलोसफी अल्टीमेटली टॉक्स अबाउट द निर्माण एस्पेक्ट एंड अल्टीमेट गुड. हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा कंडक्ट कैसे एस्टेब्लिश नॉर्म से कन्फर्म करना चाहिए ताकि हम अल्टीमेट गुड यानी कि निर्माण पे पहुंच पाए. एंड फाइनल गोल ऑफ एथिक्स इज नॉट ओनली टू जज राइट और रॉन्ग, रैदर टू अचीव दिस अल्टीमेट गुड. तो एक तरह से हमने एथिक्स को डिफाइन किया, हमने देखा कि एथिक्स के डिफिनेशन में क्या होना चाहिए. एथिक्स का डिफिनेशन ये एक प्रिसाइज डिफिनेशन, ऑल्दो वी कैन राइट सम अदर डिफिनेशंस बट दिस इज अ प्रिसाइज डिफिनेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द अर्लियर लेक्चर. उसके बाद हमने एथिकोस देखा, एथिक्स वर्ड का ओरिजिन देखा, हमने देखा कि हाउ एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस एंड हाउ इट डील्स अबाउट वैल्यूज एंड टॉक्स अबाउट द वैल्यूज. फिर हमने देखा दैट एथिक्स कैसे डिस्टिंग्यूस करता है राइट और रॉन्ग के बीच में, बैड और गुड के बीच में, एथिकल और अनएथिकल के बीच में, हाउ एथिक्स इज अ सेपरेट नॉर्मेटिव साइंस इन इटसेल्फ. देन वी टॉक्ड अबाउट अ कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, दैट व्हाट पॉइंट्स मस्ट बी देयर इन द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, दैट इज राइट और रॉन्ग, नॉर्मेटिव साइंस, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड अल्टीमेट गुड. एंड देन व्हाट इज द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, व्हाट टाइप ऑफ, देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट टाइप ऑफ एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स आर देयर, दैट इज जनरल स्टैंडर्ड्स एंड सेपरेट स्टैंडर्ड्स. So this was a whole overview of what is ethics. In the next video, we will be talking about what are the established standards in a more detailed manner. इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे, because these are the ultimate things. These established standards set by certain people or certain philosophies are the ultimate thing जिनको बेस पे पूरी की पूरी ethics define होती है. अगर यही नहीं पता होंगे हमें तो हम ethics को आगे जान ही नहीं पाएंगे. हमने ethics जान लिया, हमने ethics में देखा कि ethics is based on the established standards, but वो established standards क्या है तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद. और अगर आपको फिर से मैं बता दूं कि आप अगर अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारे सेंटर्स खुल गए हैं ऑफलाइन. आप वहां पर 2025-26 के बैच के लिए इनरोल कर सकते हैं. अर्ली बर्ड्स को 40% डिस्काउंट मिलेगा. यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे लोकेशन का डिटेल्स है. वीडियो के लिंक में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आपको काउंसलिंग फॉर्म मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा अगर आप उससे जुड़ सकते हैं, और फिर कम्युनिटी के से भी जुड़ सकते हैं. अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BR10 कोड का यूज़ कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो मिलते हैं कल के लेक्चर में. थैंक यू. जय हिंद. अन अकेडमी. लेट्स क्रैक इट.